आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे बैठे हैं हमारे पापा, अमृत के बाबा जी बैठे हैं और अमृत के पापा इधर चाय पी रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ खाना, किचन में नाश्ता तैयार करने के लिए आटा गूंथ रही हूँ फ्रेंड्स। और आप सब देख सकते हैं अब मैं किचन में खड़ी हूँ, मतलब बैठी हूँ, आटा हमारा तैयार हो रहा है धीरे धीरे। और अब मैंने आटे को मैश कर लिया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आटा हमारा चिपकने वाला है, पूरा तसले में चिपक गया है फ्रेंड्स और छोड़ नहीं रहा, हिल रहा आटा। और पीछे आप देख सकते हैं कहीं पर ये हमारा है, ये हमने अपना मसाला तैयार कर लिया है, बनाएंगे मूली का पराठा और कुकर में बन रही सब्जी। आटा हमारा हो गया है तैयार फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे पराठा। बाहर आपको दिखा रहे हैं ये है हमारा छत और इधर अमृत के बाबा बैठे हुए हैं छोटे, और अमृत के छोटे बड़े बाबा हैं, दोनों खा रहे हैं तंबाकू। एक है बाबा कच्चे में और मैं अब किचन में फिर से आ गए फ्रेंड्स अपना मसाला देखने के लिए। अब इसमें करूँगी मैं कुछ ऐड, नमक डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी और चाय हमने रख दी है फ्रेंड्स, तब तक हमारा चाय उबल रहा है। और ये अमृत के पापा है खड़े हैं, कुछ कह रहे हैं कि अमृत के बाबा बाहर तंबाकू खा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं देख के। और बैठे हैं बाहर अब चाचा हमारे जो छोटे चाचा जी हैं, अभी खूब हंसेंगे अभी तेज आवाज में काफी खुश है तंबाकू को लेकर। पापा तो पता नहीं कितना खुश है, गुड़ खा रहे हैं पापा, गुड़ खा रहे हैं, पानी पी रहे, उसके बाद पापा भी और चाचा तंबाकू लेकर बहुत खुश हैं, लग रहा है पहली बार तंबाकू खा रहे हैं। कह रहे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलना मुझे, वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देख लूंगा, डालो कोई बात नहीं। और ये आ गया है आयुष, आ गया है अमृत के चाचा जी, आ गए हैं इस टाइम मॉर्निंग में और हमारा मसाला भी अब तैयार हो रहा है फ्रेंड्स धीरे धीरे, और उसके बाद हम बनाएंगे पराठा नाश्ते के लिए। चाय में हम दूध ऐड कर रहे हैं, अब हमारी चाय अच्छे से पक जाएगी, तब तक मैं अपना पराठा भी बना लूँगी और पराठा बनकर हमारा रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। ये है लाल मिर्च का डिब्बा, अब हरी मिर्च तीखी नहीं है फ्रेंड्स, पता नहीं क्या बात है तीखी नहीं आ रही हरी मिर्च, और हम लाल मिर्च में डालकर करेंगे। ये है अस्तुति पराठा देकर बाहर से आ रही है अपने बाबा जी को, अंदर आ रही है मोटी। और ये है हमारा चकला, ये है लोई आटे की, और ये हमारा पराठा घूम रहा है तवे पर, एल्यूमिनियम का तवा है, बहुत अच्छे पराठे बनते हैं इस पर। राइस ब्रान का ऑयल लग रहा है इसमें, राइस ब्राउन का जो ऑयल है वो अच्छा है, खाने में भी टेस्टी होता है, भारीपन महसूस नहीं होता है। पतंजलि का ऑयल है, आप भी ले सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपको बनाना हो तो। और आप सभी फ्रेंड्स आइए पराठे को खाइए, देख लो खराटे ले रहे अमृत के पापा, खराटे ले रहे हैं, मोटी मोटी सो रहे हैं बाहर पापा, चश्मा लगा के पड़े हैं, फोन देख रहे हैं। अमृत के बालों की कटिंग करनी है, हमने कपड़े धो लिए हैं, कपड़े धो लिए, मैं जा रही हूँ अमृत के बालों की कटिंग करवाने, क्योंकि ये सो रहे हैं, पापा भी फोन देख रहे हैं, जाएगा कोई नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा, चलते हैं। सो रहे पापा भी सो गए हैं, पापा चौबीस घंटा चड्डा में रहते हैं, अगर काम पे ना जाना हो ना तो पैंट नहीं पहनेंगे, वो तो काम पे जाते हैं अमृत के बाल हो गए हैं लंबे, है ना अमृत, कटिंग करवाएगा, बुआ नहीं है यहाँ पे, गए हैं सत्संग निरंकारी में, पापा सो रहे हैं, पड़े कोई टेंशन नहीं है कच्चे में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अमृत के बालों की कटिंग हो रही है, और अमृत बिल्कुल बैठा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ, बहुत खुश है, डिजाइनदार से कटिंग हो रही है, डिजाइन से कटिंग हो रही है। कटिंग के पैसे हैं मात्र 30 रुपये, और बहुत अच्छी कटिंग करते हैं ये सब। और एक लड़का और भी आया है साथ में, उधर तीन मशीन, चार मशीन लग, ऐसे हुई है डिजाइन तेरी कटिंग, इधर कर अपना मुँह, इधर देख डिजाइन मारे हैं, चल दिखा, कुर्सी आ रही आ गई इस गले में, इधर सामने आंटी रहती है, चल आंटी से मिल ले, इधर आ। अमृत के बालों की कटिंग हो गई फ्रेंड्स, और एक आंटी रहती है यहाँ पास में, इनसे मिल लो फिर जाऊंगी, क्योंकि कहती तो आती नहीं है कभी, अब मिल के फिर जाऊंगी, घर का सारा कैसे नहलाऊंगी, खुद भी नहाऊंगी, मैं भी नहाई नहीं हूँ, 12 बज रहे होंगे,
है ना मेरे। कटिंग कितने रुपए में हुई है तेरी? 30 30 13 30 बारी। मैं आंटी के घर बैठी हूँ, आंटी अंदर है शायद। भूल गई। हाँ मैं भूल गई थी, किधर जाना मुझे, कोई है नहीं, मैं बैठी हूँ आराम से। आ रही है आंटी निकल के। सिलाई कर रही थी। और यहाँ पपीते का पेड़ लग रखा है छोटा सा, धूप हो रही दिख नहीं रहा फिलहाल, वीडियो में दिख रहा थोड़ा बहुत। क्या चीज कह रहे? पपीते का पेड़ लगा हुआ आंटी। और ठीक हो? हाँ। आंटी उन खा ली अपना। हम सब आलसी हैं, कोई काम नहीं करते, पर आंटी बेचारी बैठे बैठे करते रहती हैं। बुढ़ापे में ही फायदा होता है, जवानी में तो लोग भागते हैं गली गली में, बुढ़ापे में जगह बैठ के अपना काम भी कर लेते हैं। पारक वाली गली, और यह है पारक, हम पारक में आ चुके हैं। अमृत पहुंच गया घर। अच्छी धूप निकल आई है, फिर सारे धूप में हवा खा रहे हैं। सारे हवा में धूप खा रहे हैं, ठंड में धूप खा रहे हैं। बाल खूब निकल रहे हैं, निरे बाल निकल रहे हैं कंघी से, दिख रहा है इधर से देखिएगा, कंघी में फुल बाल है डोज। मटर गस्ती ले रहा बैठ के, और अमृत के पापा सो रहे हैं टांग करवा के लंबी से। पापा यहीं पे पड़े थे, मैं बोली कटिंग करवा लो, नहीं गए, और जब कटिंग करवा के आई तो पापा यहाँ से गायब है चश्मा सहित। ना तो पापा है, ना तो पापा का चश्मा है, नहीं चश्मा रख गए, हमारा तखत पड़ा है, चश्मा है उनका, पुड़िया भी है। इसके बाल कंघे कर दूं मैं। बाहर से नीम का पौधा लेकर आए हैं, अरे बाथरूम के अंदर धुल रहे हैं पौधा, अच्छे से धुलाई कर रहे हैं। आ गई है देखो, नीम का पत्ता लेके निकल आए हैं बाहर धुलाई, कह रहे हैं एलर्जी हुआ है, एलर्जी की दवा है ये। हमारे पापा को वोट देना फ्रेंड्स। इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। कौन पार्टी में? एवरीवन गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, और हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो और देखो, हमारा सपोर्ट करो फ्रेंड्स।